नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बिसरूर। आप देख रहे हैं मैं बात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बहुत ही खतरनाक खबर दिखा रहा हूं, जो राजस्थान मान की गांवों से प्रकाश में आ रही है, जहां सूत्र बता रहे हैं कि पहाड़ फटने से करीब 5 से 6 गाड़ियां पूरी तरीके से मलबे में दब चुकी हैं और कई लोगों के गायब होने की भी बात कही जा रही है। और इसको डालते इसे ये बोर के अंदर और इसमें डालते पूरा गांव को इतना दिक्कत हो रहा है, मकान हिलता, पूरा मकान हिलता है। सामान और कुछ लग बोलते हैं तो जो बड़े बड़े ठोंडे हैं उनको पैसा दे देते हैं, जैसे इनकी कुछ चलती नहीं है। देखो ऐसे और एक बताए अहमद सरपंच है, राजन है आजकल, और इन्होंने हरियाणा से बुला रखे गुंडे लोग जो इनके कांटे पे जो रहते हैं, जहाँ बिल्डिंग बनाई हुई है उन्हें दिखाऊंगा मैं वो भी आपको, जो मैं हथियार के रहते हैं, ये सबको पैसे देते हैं, जो कोई आदमी आवाज़ उठाता है तो पैसे देते हैं उसको। और देखो इतना इतना बारूद, ये सारा बारूद है, ये बारूद का ढेर है सारा, इसको इससे माइनिंग करते हैं, गरीबों को कुछ नहीं देते मदर को। देखो ये होल कटा हुआ है 50 फुट से ज्यादा ही होगा ये, और जब इसको इतना ऊंडा कर देंगे जैसे वो कर दिया, ये देखो आप दिख रहे हैं उसके लिए वाली है, उसके ऊपर पानी तक निकाल देते हैं। इस होल में इसको डाल के दिखा, देखो कितना बजाएंगे, इतने तक डेढ़ दिखाना, कितने जाएंगे, दो देखो वो चल डाल भाई बंद कर। ये देखो 2-3 डंपर गाड़ियां, देख 12 चक्का गाड़ी लगी हुई है, ना ना एल एन की नाइट दिख रही है। ये देखो एक पहाड़ गिरा ऊपर से, ये दब गया नीचे, ये डंपर एक बार ऊपर से लाइट दिखाता हूँ, वो देख कैसे गिर रहा पहाड़, ये देखो आगे हमको गाड़ी दबी पड़ी, हो जब दबी पड़ी आगे गाड़ी, गाड़ी को ड्राइवर को पता ही नहीं कहाँ की गाड़ी है, कहाँ कोई पता नहीं है इसके अंदर क्या गाड़ी हो रही है, ड्राइवर भी इसी के अंदर है। 6 नंबर खान है जिसमें ये हुआ है, 6, 7, 8 नंबर खाने, और ये 400 मीटर से ज्यादा खोदी हुई है। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें, तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।